क्योंकि वो ये तो बता नहीं रहा था कि उसने अपने भाई को मार दिया है और उसकी लाश को उसने उसी प्रीमाइसिस में गाड़ ले। तो ऐसा था कि जो भाई घर में रहता था उसी को भूतिया एहसास होता था, लेकिन अब ये हॉन्टिंग आस पड़ोस में भी पता चलने लगी। कन्होनी की चैनल के एक और यूनिक भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिमेलो हाउस, जी हाँ दोस्तों, डिमेलो हाउस आजकल वैसे भी इंटरनेट पे काफी चर्चा में चल रहा है। डिमेलो हाउस के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने रियल स्टोरी अपलोड की थी कुछ यूट्यूबर्स की जिनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ था डिमेलो हाउस में, और इस स्टोरी को डाले हुए एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी वापिस से डिमेलो हाउस काफी चर्चा में चल रहा है, वायरल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको एक रियल इंसिडेंट के ऊपर, क्योंकि अभी जितने भी लोग इंटरनेट पे जो कहानियां डाल रहे हैं, यूट्यूब पे जो कहानियां डाल रहे हैं, उसमें किसी ने भी अभी तक रियल स्टोरी नहीं बताई है। सभी अपना व्लॉग बना रहे हैं, जाते हैं और वो ब्लॉग बना करके वीडियो बना करके चले आते हैं, भूत है नहीं है जो भी उनको बताना हो बताते हैं, लेकिन रियल घटना अभी तक किसी ने बताई नहीं है। मैं आज आपको रियल घटना से रूबरू कराता हूं जो देखने के लिए जाए तो एक सामान्य घटना है, लेकिन है एक भूतिया घटना। दोस्तों, सेंटीमॉल रैया करके एक गांव है साउथ गोवा में, वहां पर ये डिमेलो हाउस है जहां पर डिमेलो ब्रदर्स रहा करते थे किसी जमाने में। डिमेलो ब्रदर्स के बीच में आए दिन प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ करता था। दोनों भाई हिस्सा बंटवारे के लिए हमेशा झगड़ा करते थे और बहुत ही हीटेड झगड़ा इनके दोनों के बीच में हमेशा हुआ करता था कि किसको कौन सा हिस्सा लेना है, क्या करना है, क्योंकि ये मकान काफी बड़ा है। अगर आपने फोटो भी देखे हो YouTube पर या Google पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफी बड़ा घर है और बड़ी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए इन लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा हुआ करता था कि किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, क्या मिलेगा। ये झगड़ा इन लोगों का आए दिन बढ़ता ही गया। उन्होंने भी इसके अंदर इंटरवीन किया लेकिन फिर भी झगड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही एक दिन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। भाई ने दूसरे भाई को वाकई में मार डाला या फिर एक्सीडेंटली वो भाई मर गया ये पता नहीं चला, लेकिन जो मर गया था उसकी डेड बॉडी को दूसरे भाई ने उसी प्रीमाइसिस में पीछे बैकयार्ड में जाकर के गाड़ दिया और पड़ोसियों से ये बात कहा कि भाई उसने अपना हिस्सा ले लिया है और वो दूसरी प्रॉपर्टी पर चला गया है, वो यहां से चला गया है, उसका अपना हिस्सा मिल गया और उसने मकान का कब्जा छोड़ दिया, ये जो है उस भाई ने कहा। और वो बार बार बाहर जाता रहता क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि दोनों भाई झगड़ा करते लेकिन रहते घर पे ही थे, बाहर नहीं जाते थे। अब जब से एक भाई ने दूसरे को मार डाला उसके बाद में वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहने लगा और कुछ दिनों के बाद में लोगों से पूछने लगा कि अगर घर पे स्पिरिट हो तो क्या किया जाए, अगर भूत है तो क्या करें, उसको भगाने का क्या उपाय है। इस तरीके की उसने बातें शुरू कर दी तो लोगों को ऐसा लगा कि ये धीरे धीरे साइको हो गया है, पागल हो गया है, क्योंकि भूत की बात कोई उस मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये तो बता नहीं रहा था कि उसने अपने भाई को मार दिया है और उसकी लाश को उसने उसी प्रीमाइसिस में गाड़ दिया है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद में जब उसने अपने भाई की लाश को गाड़ा था उसके बाद में उसको घर में हॉन्टिंग शुरू हो गई थी, वो भाई उसको दिखाई देने लगा था, घर में कई चीजें उठा करके फेंकने की आवाजें भी आने लगी, कई बार चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ दिनों के बाद में पता नहीं क्या हुआ, जो भूत भाई बना था उसने इसको पजेस कर लिया या फिर अपने भाई को मार डालने का कोई गिल्ट था या फिर कोई सुसाइडल टेंडेंसी हुई। ये जो भाई था उसने उस बिल्डिंग की एटिक पे, यानी कि जो सबसे बड़ा फ्लोर होता है, जो उन लोगों का स्टोरेज का रूम था, वहां जाकर के ऊपर उसने अपने आप को फांसी लटका दी और वो मर गया। इस तरीके से दोनों ही भाई खत्म हो गए। अब यहां से दूसरी कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो ऐसा था कि जो भाई घर में रहता था उसी को भूतिया एहसास होता था, लेकिन अब ये हॉन्टिंग आस पड़ोस में भी
पता चलने लगी कि क्योंकि जो वहां से मकान के नजदीक से गुजरता रोड के पास से गुजरता उसको भी मकान से बड़े जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती जैसे कोई लड़ रहा हो झगड़ रहा हो। और ये मकान काफी बड़ा था, पोर्टुगीज स्टाइल में बना हुआ दोस्तों ये मकान है जिसमें काफी सारे खिड़की वगैरह बनी थी बड़ी बड़ी। वो बहुत सारी खिड़कियां वगैरह जो है उसमें कोई ना कोई चीज बहुत जोर से टकराती और खिड़की टूट जाती, खिड़की दरवाजे सारे टूट गए, घर का अंजर पंजर सब टूट टाट गया। इस तरीके से जो है अंदर और कोई रहता ही नहीं था, ये हाल था। तब भी अंदर से फर्नीचर के गिरने की आवाज आती, तो कभी फर्नीचर घर के बाहर खिड़कियां तोड़ करके बाहर आने लगता। ये सारी चीजें होने लगी तो आस पड़ोस में तो ये पता चल ही गया था कि ये घर अब हॉन्टेड हो चुका है। बाद में जो इनके रिलेटिव्स थे उन रिलेटिव्स ने इस मकान पर कब्जा करने की कोशिश की, उन्होंने ये लीगली पजेस करने की कोशिश की मकान को। तो पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ कि उन लोगों पूरे परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया और परिवार में कोई नहीं बचा, जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए। इसके बाद में घर के जो दूसरे रिलेटिव थे उन लोगों ने इस मकान पर कब्जा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक कर्स्ड प्रॉपर्टी है, श्रापित प्रॉपर्टी है और हमको इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना, हमको ये नहीं चाहिए। अब यहां पे ये चीज कही जा सकती है कि जो दो भाई जिंदा थे तब जो प्रॉपर्टी के लड़ रहे थे, वही दोनों भाई मरकर के भी इस प्रॉपर्टी के पीछे ही लगे हुए हैं, उनके दिमाग से ये प्रॉपर्टी निकली ही नहीं और वही हॉन्ट कर रहे हैं उस जगह को वो लोग मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही एक रियल हॉरर स्टोरी है, यही एक स्टोरी है डिमेलो हाउस की, कि दोनों भाइयों के बीच में तकरार थी और तकरार के चलते दोनों ही भाई मर गए और जगह पजेस्ड हो गई और अब उस जगह को लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। लकड़ी का बना हुआ घर है, अब तो खुद ही अपने आप से ही जर्जरित हुआ रहता है, जब भी बारिश होती है तब उसका कोई ना कोई हिस्सा गिरता रहता है। तो दोस्तों ये थी डिमेलो हाउस की रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे जरूर मेरे ईमेल पर भेजिए, मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट गनवनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।